मैं जसवंत सिंह एडवोकेट गांव सहबाजपुर खालसा आप सभी देशवासियों प्रदेशवासियों व अपने जिला रेवाड़ी के सभी भाई बहनों कामनाएं देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि एक रंगों भरा होली का त्यौहार आप सभी के जीवन में इसी तरह बहुत सारी रंगों की तरह खुशियां लेकर आए। अब इसे सरकार की नाकामी कहें या फिर अधिकारियों की मिलीभगत, औद्योगिक इकाइयों में सरकार का कोई अंकुश रह ही नहीं गया है। इसी के चलते रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा बावल व धारूहेरा में लगातार श्रमिकों में असंतोष के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन श्रम विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मल्टीनेशनल कंपनी YKK में कंपनी प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगा है। पिछले दो दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि यहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कर्मचारियों का आरोप है कि या तो किसी का इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है या किसी का एग्रीमेंट ही नहीं बढ़ाया जाता। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की माने तो इस कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों का भी जमकर शोषण होता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। और इन्हीं तमाम परेशानियों के चलते यहाँ काम करने वाली महिला मजबूरी में काम छोड़कर हड़ताल पर बैठी हैं। जी बिल्कुल, वर्करों का कुछ मैटर था, वर्करों का शोषण हो रहा था, हम उनके लिए आवाज उठाने गए थे। 1.5 साल पुराना मामला है, उसमें झूठी चार्जशीट दी गई थी और अब डिसीजन आया है कि भाई 3 साल का तो मेरा एग्रीमेंट रोक दिया जाए, 1-1 साल का 3 और यूनियन मेंबर का, और एक जो जिसके लिए वर्कर के लिए हम गए थे, जिसको बैठा रखा था दीवार की तरफ मुंह करके मैनेजमेंट ने, उसको सस्पेंड विदाउट सैलरी 1-2 महीने के लिए। कितने दिनों से काम कर रहे हैं ये लोग? सब 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। क्यों रोका गया ये सब, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे ये है वर्करों का, मतलब यहाँ ठीक से शोषण, अजय चंदोलकर जी है हमारे GM, तो वो बस अपने कोई सर्वे सर्वा समझते हैं। मनीष पठान है, उन पर चार्जशीट लगाई हुई है और 3-7 दिन उनकी सैलरी रोक दी गई। समस्याएं समस्याएं सर इतनी है कि हम बताने लगेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। वही हर वक्त टॉर्चर किया जाता है कि इतना काम नहीं, इतना करना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, रुकना है, हर तरह के धमकाया जाता है। कोई सुपरवाइजर धमका देता है, वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, उसका क्या मेडिकल लेके आओ, ये करके लेके आओ, वरना घर रह जाओ, रेस्ट कर लो। पढ़ाई की इसीलिए की हुई है क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का शोषण बहुत ज़्यादा होता है। कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी होती है, कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी होती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अभी रात से लड़के, कल शाम से लड़कियाँ स्टाफ की हो जाती है ना, स्टाफ की कभी गलती बताई जाती है किसी में भी, हमेशा वर्करों की गलती बताई जाती है। अब भी रात से लड़कियां बैठी हुई है तो प्रशासन का कोई उसमें वो नहीं है कि आके एक बार पूछा हो कि लड़कियां परेशान तो नहीं हो रही हैं या कुछ भी। यहाँ तो कैंटीन की फैसिलिटी भी बंद कर दी, यानी प्रशासन भी मैनेजमेंट की तरफदारी कर रहा है कहीं ना कहीं। क्रैच में बच्चे लाती है, यहाँ हमारे यहाँ क्रैच है, उसमें बच्चे लाती है, तो वो भी 10 बजे के बाद बंद कर दी गई। तो अभी अगर बाहर खड़ी रही रोड पे, अभी अगर सुनवाई नहीं होती आप लोगों की, क्या करेंगे आगे? हम जिस तरह अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे पैसे बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। हालांकि हड़ताल की जानकारी मिलते ही SDM और श्रम विभाग के आला अधिकारी कंपनी में जरूर आए, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।